ट्रैफिक जाम एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई परिचित है। सिलीगुड़ी में भी रोजाना जाम में फंसने से हजारों लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर शहर के अलग अलग हिस्सों में काफी जाम के कारण ट्रैफिक पुलिस को लेकर हजारों शिकायतें सुनने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों में शहर में थोड़ा सा बदलाव देखा जा रहा है। इस बार पुलिस सिलीगुड़ी के आम लोगों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक की समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। हाल ही में मुख्य सड़कों पर बिना नंबर वाले टोटो के यातायात पर रोक लगाई गई है। इससे शहर में जाम की समस्या काफी कम हुई। दूसरी तरफ विभिन्न ट्रैफिक पॉइंट से लेकर अलग अलग छोर तक जाने के लिए अलग अलग लेन बनाई गई है। इधर दार्जिलिंग मोड़ में भी पहले की तुलना में वाहनों की लंबी लाइन नहीं देखी जा रही। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से लेकर अधिकारियों तक को यातायात नियंत्रण के लिए सड़क पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। शहरवासियों का कहना है कि हिलकर रोड और विधान रोड से अवैध पार्किंग हटाने से ट्रैफिक जाम में काफी कमी आएगी। इसके अलावा सिलीगुड़ी नगर निगम ने भी शहर में वैकल्पिक सड़कों की संख्या बढ़ाने की पहल की है। इस संबंध में पुलिस के साथ एक बैठक भी हो चुकी है।